नमस्कार, गाजीपुर की दिन भर की सबसे बड़ी 5 खबरों के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं जिले की पहली बड़ी खबर से। भाकपा माले अखिल भारतीय खेत व ग्रामीण मजदूर सभा के कार्यकर्ताओं ने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत विभिन्न सवालों को लेकर गुरुवार को जखनिया तहसील पर प्रदर्शन किया। इस मौके पर भाकपा माले की जिला सचिव राम प्यारे राम ने कहा कि मोदी योगी सरकार किसानों, मजदूरों, युवाओं की जिंदगी से जुड़ी ज्वलंत सवालों को उठाने से रोकने के लिए तमन और फर्जी मुकदमा लादने की धमकी देकर लोकतांत्रिक आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। किसान महासभा के जिलाध्यक्ष गुलाब सिंह ने कहा कि लॉकडाउन के चलते काम नहीं है, गरीब सब्जी दाल तक महंगाई के चलते नहीं खरीद पा रहे हैं, नून रोटी खाकर पेट भरने को मजबूर हैं। इस मौके पर उजागीर राम, लाल बहादुर, मुन्ना राम जन्म, बेचू बनवासी, हंसा देवी, सुरेश कुशवाहा, राम वृक्ष मौर्य, नंद किशोर बिंद, आजाद यादव आदि उपस्थित थे। कोरोना काल में फीस माफी को लेकर अभिनव सिंह एवं आरिफ खान के नेतृत्व में शहर में 2 महीने तक हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। इसका अभिभावकों ने पुरजोर समर्थन करते हुए हस्ताक्षर किया। इसी क्रम में पुनः गुरुवार को समाजवादी साथीगण जिलाधिकारी को संबोधित पत्रक अपर एडीएम को सौंपते हुए फीस माफी का निवेदन किया। पत्रक में कहा कि लॉकडाउन के दौरान सभी लोगों का रोजी रोजगार प्रभावित हुआ है, आर्थिक व्यवस्था पूरी तरह से खराब हो गई है, इसलिए फीस देना अभिभावकों के लिए संभव नहीं हो पा रहा है। प्रदेश सरकार को फीस माफ कर अभिभावकों को राहत पहुंचाने का कार्य करना चाहिए। पत्रक सौंपने के दौरान अभिवन सिंह, आरिफ खान, सुखपाल यादव, चंद्रिका यादव आदि मौजूद रहे। जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह ने गुरुवार को राइफल क्लब में जिले के सभी रामलीला कमेटी और दुर्गा पूजा समिति के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस मौके पर जिलाधिकारी ने कहा कि कोविड-19 देखते हुए सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि दुर्गा पूजा में सड़क के किनारे, चौराहा और सार्वजनिक स्थानों पर पंडाल बनाकर उसमें दुर्गा प्रतिमा स्थापित नहीं की जाएगी। अगर किसी को पूजा करना हो तो अपने घर के अंदर छोटी छोटी प्रतिमा बनाकर पूजा कर सकते हैं। प्रतिमा विसर्जन में 4 से 5 लोग ही शामिल हो सकते हैं। इस दौरान मास्क लगाने के लिए साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। जिले में जहां भी रामलीला होगी उसे देखने के लिए 10 वर्ष से नीचे के बच्चे, 65 वर्ष के ऊपर के महिला पुरुष और गर्भवती महिलाएं नहीं जाएंगी। रामलीला में जाते समय मास्क और सैनिटाइजर की व्यवस्था करनी होगी। 2 गज की दूरी बनाकर ही रामलीला देखनी होगी। पुलिस अधीक्षक ने बैठक में उपस्थित सभी थाना अध्यक्षों को निर्देश दिया कि आगामी त्योहारों को देखते हुए पूरी तरह से चौकन्ना रहें। जिन स्थानों पर रामलीला का आयोजन होगा वहां कड़ी सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। कहा कि कोरोना से बचाव के लिए रामलीला, दशहरा और छठ पूजा लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जाएगा। बैठक में सदर SDM प्रभाष कुमार, सेवराई SDM, जिले के सभी दुर्गा पूजा कमेटी के सदस्य, रामलीला कमेटी के सदस्य, सभी थाना अध्यक्षों सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। गहमर के करहिया में गुरुवार को अधिशासी अभियंता जमनिया इंजीनियर महेंद्र मिश्रा के नेतृत्व में विद्युत चेकिंग अभियान चलाया गया। 45 घरों को चेक किया गया। इस दौरान अवैध रूप से विद्युत का उपभोग करते पाए जाने पर 14 लोगों के खिलाफ विद्युत चोरी में FIR दर्ज किया गया। 16 लोगों का बकाए पर संयोजन विच्छेदित किया गया एवं 2,65,000 राजस्व वसूला गया। अधिशासी अभियंता महेंद्र मिश्रा ने सभी उपभोक्ताओं से अपील की कि जल्द से जल्द बकाया बिल जमा कर दें। जिस उपभोक्ता के परिसर में मीटर लगा है वो अपना मीटर रीडर से जरूर चेक करवाएं। किसी भी हाल में बिजली चोरी ना करें। पकड़े जाने पर FIR दर्ज कराने के साथ ही अन्य विभागीय कार्रवाई होगी। चेकिंग टीम में उपखंड अधिकारी दिलदानगर सत्यनारायण चौरसिया, अवर अभियंता गहमर राम प्रवेश चौहान गहमर, विशंभर राय, बीरबल कैलाश यादव, सुपरवाइजर विनय तिवारी, साहिब कुमार बिंद, सिराज खान गुड्डू एवं पुलिस विभाग की टीम मौजूद रही। ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे का शुभारंभ जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने अपने आवास पर हाथ धोकर जन सामान्य को संदेश दिया। उन्होंने जन सामान्य से ही अपील करते हुए कहा कि संक्रमण से बचाव का सही तरीका 6 चरणों में ठीक तरह से हाथ धोना है। हाथों को कम से कम 20 सेकंड तक धुले, यही हमारे बेहतर स्वास्थ्य की ओर एक अच्छी पहल है। स्वच्छ हाथों से ही भोजन, चेहरे, आंख, नाक आदि को स्पर्श करें। कहा कि हमारे हाथों में न जाने कितनी अनदेखी गंदगी छिपी होती है जो किसी भी वस्तु को छूने, उसका उपयोग करने और कई तरह के रोजमर्रा के कामों के कारण होती है। ये गंदगी बगैर हाथ धोए कुछ भी खाने पीने से आपके शरीर में पहुंच जाती है और कई तरह की बीमारियों को जन्म देती है। हाथ धोने के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए वैश्विक स्तर पर हर साल 15 अक्टूबर को हैंड वॉशिंग दिवस मनाया जाता है। ICDS विभाग द्वारा सभी आंगनबाड़ी केंद्रों, स्वास्थ्य विभाग द्वारा जनपद के समस्त CHC एवं PHC, शिक्षा विभाग द्वारा समस्त विद्यालयों, पंचायती राज विभाग द्वारा समस्त ग्राम पंचायतों में यह अभियान चलाया गया। गाजीपुर की ऐसी और भी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।